अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पे। अभी सस्पेंस जो है, इस सस्पेंस को खोलकर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। हुआ क्या था, सुशांत सिंह राजपूत जी का जब मर्डर हुआ, उसके बाद में एक मैटर सीबीआई को गया और एक मैटर का केस रजिस्टर किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। पहला केस है ये जो जिसमें दीपिका पादुकोण रिया चक्रवर्ती आरोपी है, जिसके रिकॉर्ड पे रिया के व्हाट्सएप चैट से जो रिकवर किए, जो उसने डिलीट कर दिए थे, उससे उसका आदित्य ठाकरे का कनेक्शन, ये वो कई चीजें निकली है। कुछ चीजें मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ उनको, मतलब जब जरूरत आएगा तब बताएंगे, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि इतनी चीजें मिली है। वो क्राइम नंबर 15 अब 2020 है। उसके बाद में सेकंड क्राइम रजिस्टर होता है 16 अब 2020, रिया चक्रवर्ती शौविक वगैरह अरेस्ट होते हैं। उसमें वो डिटेल बाहर आते हैं कि ये कैसी ड्रग्स की स्मगलर है, ये कैसा आपने इसके सुशांत राजपूत के इनके विदाउट नॉलेज उनके ड्रिंक्स में, फूड्स में वो ऑयल मिलाकर ड्रग्स देती थी, सब ये चीजें आती है। अब वो अरेस्ट होती है, उसमें वो अरेस्ट होने के बाद में वो एक धमकी देती है कि मैं फंसी तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, ताबड़तोब सारा ड्रग्स माफिया स्मगलर सब एक्टिव हो जाते हैं। रिया चक्रवर्ती की खुद की कमाई गॉड नोस, बट बड़े बड़े वकील खड़े कर देती है और उसके बेल के लिए भागदौड़ शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अब आता है केस में, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वही रीजन है कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के हत्यारे और रेपिस्ट ड्रगिस्ट ड्रग्स स्मगलर, छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार करने वाले, वो क्यों पकड़ में नहीं आ रहे और क्यों सीबीआई एनसीबी इनकी कार्रवाई उसमें स्लो हो रही है। वो टर्निंग पॉइंट क्या था, वो टर्निंग पॉइंट ये था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को होती है अरेस्ट। उसको अरेस्ट होने के बाद में समीर वानखेड़े साहब एवरीथिंग रिकॉर्ड पे रखकर इसी ज्ञानेश्वर सिंह से डिस्कशन करके उसी के कहने पर इसका पुलिस कस्टडी रिमांड जो होता है पीसीआर के लिए एप्लीकेशन देते हैं, वो सब केस होता है। इस बीच में ज्ञानेश्वर सिंह और कुछ माफियाओं का एक डील होता है पर्दे के पीछे का, और यही ज्ञानेश्वर सिंह एक विचार करता है कि यार ये सारे मैटर मेरे पास आ जाए तो मैं एक्स वाई जेड करोड़ अरब जो भी होते कमा सकता हूँ। फिर एक कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, वो 15 नंबर का क्राइम जो रिया चक्रवर्ती वाला और दीपिका पादुकोण वाला, वो ज्ञानेश्वर सिंह खुद के पास ले लेता है, और दूसरे कई मैटर है